नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की लिस्ट आना शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, AIMIM हो या फिर कांग्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से लिस्ट आई उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा में दागियों को टिकट दिया गया, किस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा, पहले वो सुनिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। हालांकि दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का, विशेष तौर से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे, बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए कुछ नेताओं के आने के बाद से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। उसी तरह से आज दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपको बता दें आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और इसके साथ ही ये आरोप लगाया कि भाजपा में खासतौर से दलितों का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा आज भी कई तरह से राजनीतिक सियासी गहमा गहमी देखने को मिली। विशेष तौर से आपको बताते चलें, आज दारा सिंह चौहान सपा में शामिल हो गए हैं और दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान जब सपा में शामिल हुए तो वहीं सपा कार्यालय के बाहर सपा के ही कार्यकर्ता आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे। वादा खिलाफी का आरोप उन्होंने अखिलेश यादव पर लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने लगातार पार्टी में कार्य किया लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो किसी और को टिकट दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आज अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी में असीम अरुण, जो कि पूर्व IPS ऑफिसर है, वो भी आज बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान जब असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो अनुराग ठाकुर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में उन लोगों को शामिल कराया जा रहा है जो दंगा कराते हैं और बीजेपी में वो आते हैं जो दंगा रोकते हैं। मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लाइन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायंस सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लायंस सफारी बनी है। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना। तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज को समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी तब हमने निर्णय लिया कब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर
आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। तो दारा सिंह चौहान आज जब सपा में शामिल हुए तो उनका कहना है कि बीजेपी का एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज है और समाज का एक महत्वपूर्ण तबका वो अखिलेश यादव के साथ में है, लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी ने आज ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने जिन नेताओं को प्रत्याशी बनाया है वो ज्यादातर दागी हैं, कुछ पर ऐसे गंभीर आरोप दर्ज हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है? आखिर इन तमाम आरोपों में कितना सच है ये हमने जानने की कोशिश की। पहले आपको एक मोटे मोटे तौर पर एक लिस्ट बताते हैं। सबसे पहले आपको हम ये जरा बताने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव ने जिनको प्रत्याशी बनाया है आखिर उनमें कौन कौन शामिल है। अगर हम लोनी सीट की अगर बात करें समाजवादी पार्टी और RLD की तरफ से मदन भैया जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, आपको बता दें इनके ऊपर आरोप क्या है, बताया जाता है ये हिस्ट्री शीटर है, हत्या की कोशिश के दो मामले इनके ऊपर दर्ज है। इतना ही नहीं, क्रिमिनल इंटीमेशन के भी इनके ऊपर दो आरोप बताए जाते हैं। इसमें दंगा फैलाना हो, दंगे में खतरनाक हथियार रखना हो, इसके अलावा भी करीब 10 और ऐसे मामले हैं जो कि मदन भैया पर दर्ज है। लोनी सीट से SP और RLD के गठबंधन के साथ में इन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन इनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। IPC धारा 307 हो, 506 हो, 147 हो, 148 के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। अब बात अगर बुलंदशहर की कैंडिडेट की करें जिन्हें मोहम्मद हाजी यूनुस को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इनके ऊपर भी कुछ इसी तरह से आरोप हैं। ये भी हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल इंटीमेशन के दो मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, IPC 506 के तहत इन पर मामले दर्ज हैं। रेप की कोशिश का आरोप है, समझिए रेप की कोशिश का एक आरोप इनके खिलाफ दर्ज है, IPC की धारा 376 के तहत मामला दर्ज है। हत्या की कोशिश का मामला इनके खिलाफ दर्ज है, 307 यानी IPC की धारा के तहत आरोप दर्ज है। दंगा फैलाने के दो मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि 6 से ज्यादा मामले इनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। एक और नाम हम आपको बताते हैं, नाहिद हसन, जो हाल ही में जिन्हें सरेंडर किया गया जिन्होंने, और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, कैराना सीट से आते हैं। नाहिद हसन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है, लोगों को पलायन पर मजबूर करने का आरोप है, दंगा फैलाने का एक आरोप इनके खिलाफ दर्ज है, सरकारी कर्मचारी के साथ बदसलूकी का भी एक केस इनके खिलाफ दर्ज है, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप इन पर है, शांति भंग करने का आरोप इन पर है, लोगों को डराने धमकाने का आरोप इन पर है। मोटे मोटे तौर पर ये अभी 3 नाम तो हमने आपको बता दिए, इस तरह के और भी कई ऐसे नाम है जो अभी तक सामने आ चुके हैं। और लगातार जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर आखिर क्या कहा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान होंगे मैं आपको उनसे मिलवाऊं, लेकिन अपने दर्शकों को बताती चलूं, एक तरफ बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, इसी बीच कई तरह की बयानबाजियों के बीच में आज AIMIM की तरफ से भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जा चुकी है। और आखिर जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उनमें किस किस को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो आप जरा देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपके जो नाम है आप उसमें समझ पाएंगे। खासतौर से डॉक्टर मेहताब लोनी को गाजियाबाद से AIMIM ने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें फुरकान चौधरी भी AIMIM की तरफ से प्रत्याशी हैं। गढ़ मुक्तेश्वर से यहाँ पे चुनावी मैदान में वो होंगे, हापुड़ धौलाना से हाजी आरिश चुनावी मैदान में होंगे, मेरठ से रफत खान सिवालखास से चुनावी मैदान में है, मेरठ से ही सरधाना सीट से जिशान आलम को AIMIM ने अपना प्रत्याशी बनाया है, मेरठ के किठोर से तस्लीम अहमद को प्रत्याशी बनाया है AIMIM ने, बेहट जो कि सहारनपुर के अंदर आती है अमजद अली यहां से चुनावी मैदान में है, इसके अलावा सहारनपुर से मरगूब हसन है, बरेली से शाहीन रजा खान चुनावी मैदान में है। अब सबसे खास बात यह कि जिस तरह से चुनावी जो प्रत्याशियों की लिस्ट तो सामने आ चुकी है उसमें कई तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं। आपको ये भी बताते चले, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में गुंडे दंगाई शामिल हैं, वो लिस्ट सामने आई। ओवैसी की अभी तक सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के होने की ही जानकारी आपने देखा, क्योंकि 8 उम्मीदवारों की लिस्ट थी उसमें जो 8 प्रत्याशी हैं वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही नजर आते हैं। इन सब के बीच में आज अनुराग ठाकुर ने जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जिसका पलटवार अखिलेश यादव ने भी किया कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं।
सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल, और आप नाविद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर वन है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून चरंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं, और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। तो आपने सुना, चाहे अनुराग ठाकुर हो या फिर अखिलेश यादव, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं। अब ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के जो प्रमुख सवाल हैं, जिनके जवाब हम हमारे साथ में पैनल में मौजूद जो तमाम खास मेहमान हैं उनसे जानेंगे, लेकिन जरा सवाल जो है उनको सुन लीजिए। सवाल ये कि AIMIM के अभी तक की जो लिस्ट सामने आई उसमें 8 प्रत्याशी हैं जो सभी मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। क्या आने वाले वक्त में भी AIMIM की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट्स ही चुनावी मैदान में होंगे? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और INLD की जो लिस्ट सामने आई उसमें गुंडे दंगाइयों को क्या टिकट दिया गया है? जो सवाल बार बार लगातार अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में हैं और दंगा रोकने वाले बीजेपी में है? क्योंकि आज जब जिस तरह से पूर्व IPS ऑफिसर जब बीजेपी में शामिल हुए, तो अनुराग ठाकुर हो या फिर स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इस बात पे बार बार जोर दिया। इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान है, पहले उनसे आपको मिलवा देते हो। मेरे साथ में बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता मेरे साथ में है, कांग्रेस की तरफ से कमलाकर त्रिपाठी मेरे साथ में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय राठी प्रवक्ता मेरे साथ में है, AIMIM की तरफ से आदिल हसन मेरे साथ में है। सबसे पहले विजय राठी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी पर, आपके प्रत्याशियों पर, लिस्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दागी नेताओं को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब मैं बोलूंगा कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरा जवाब भी ना सुने और मुझे बीच में दूसरा सवाल पूछना शुरू कर दें, तो या तो आप इकट्ठा अपने सवाल एक साथ रख दीजिए या फिर मेरा जवाब सुनने की हिम्मत रखिएगा। ऐसा नहीं होता विजय जी, लेकिन क्वेश्चन के लिए तो रेडी होना पड़ेगा। जानता हूं ना, मुझे पता है मैं जो जवाब दूंगा तो वो नहीं सुन पाएंगे आप लोग, क्योंकि आप चाहते हैं वो साफ टीवी पे दिखे। मैं आपको केस बता रहा हूँ, चार्जेस रिलेटेड टू अटेम्प्ट सेक्शन 307 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपने बोला है ब्रीच ऑफ पीस आर्टिफिशियल प्रचार, एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, उसके बाद है ट्रेसपासिंग ऑन बरियर प्लेसेस IPC सेक्शन 297, राइटिंग आर्मर्ड विद डेडली वेपन IPC सेक्शन 148, पनिशमेंट फॉर राइटिंग सेक्शन 147, प्रमोटिंग NMIT IPC सेक्शन 153A और डिफाइलिंग ए प्लेस ऑफ वर्शिप। ये जानती है किसके केस है ये लाइन? ये हमारा दुर्भाग्य है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के केसेस है। ये क्या है? ये जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपा ही? ये नहीं है क्या दंगाई? ये केस कभी आपने चलाए टीवी पे? केशव प्रसाद मौर्य पे सेम लिस्ट है। इन सब पे ऐसे ऐसे केसेस है जिनकी कोई बात नहीं करता। इन्हीं का विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कारी साबित हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने
मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स है, सबसे ज्यादा चाहे वो विधायक हो या मंत्री, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ठीक है माना है, ठीक है माना है, लेकिन ठीक है सिर्फ चर्चा हो रही है। ठीक है विजय जी, आपकी बात पूरी हुई, कम्प्लीट कर दिया विजय जी। आज चर्चा हो रही है कि सपा ने दंगाइयों पर टिकट दिया, लेकिन पैरेलल आप मुख्यमंत्री के केस भी चलाइए ना, कि केसेस तो सेम ही लगे हैं, तो एक दंगाई हो गया, एक भाजपा ही हो गया, एक दंगाई हो गया, एक भाजपा ही हो गया, आप बताइए ना मुख्यमंत्री के केसेस चलाइए, आप सामने को मुख्यमंत्री अपने केस वापस ले। ठीक है बिल्कुल, आप ही के सवाल को मैं लेकर जाती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ। मनीष शुक्ला जी कई भीर आरोप लगाए कि भाई आपको दूसरी पार्टी में शामिल जो कैंडिडेट से वो तो आपको दंगे वाले नजर आते हैं, लेकिन खुद की पार्टी आपको क्या बेदाग नजर आती है, क्या कहेंगे विजय राठी जी के सवालों का, आरोपों का? देखिए पूरे डिबेट का मैं दो जवाब देता हूं। एक तो नाहिद हसन के ऊपर जब हम आरोप लगाते हैं कि ये दंगाई और पलायन करने वाले हैं, तो उसका एक वीडियो पब्लिक डोमेन में है जिसमें खुलेआम वो कहता है कि हिंदुओं की दुकानों से समान मत खरीदो, अर्थात जो 80% बहुसंख्यक है देश के प्रदेश के, उनके दुकानों से समान न खरीदो, और ऐसे लोग इनके बगलगीर हैं और ऐसे लोगों को अखिलेश यादव का संरक्षण ऐसा। हाजी यूनुस के ऊपर क्या क्या आरोप है, 376 के हैं, हत्या के आरोप, दंगाइयों के आरोप, ये तमाम आरोप आपने में भी दिखाए। दिलनवाज खान और मदद सिंह, ये सभी लोगों के ऊपर जो आरोप है गंभीर किस्म के हैं, और समाज में एक परसेप्शन होता है मुख्तार अतीक या नाहिद हसन इनके बारे में भी जनता जानती है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी जानती है। ये सेम उसी प्रकार का प्रकरण है जब सचिन और गौरव अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मारे गए और उनके ऊपर ही मुकदमा कायम करा दिया आजम खान ने। ऐसा ही गोरखपुर में एक दंगा हुआ था, दंगों में खुलेआम मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और तुष्टिकरण के नाते से बहुसंख्यक वर्ग को आरोपी बनाया जा रहा था, तो माननीय सांसद होने के नाते से उस समय जो पीड़ित थे उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए थे और खड़े होना चाहिए। जब सरकार आता ताई हो तुष्टिकरण करे और दंगाइयों को संरक्षण दे। मुजफ्फरनगर कांड का मनीष जी आपको क्या लगता है बीजेपी ने जिन भी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है क्या वो बेदाग छवि के हैं? क्या वो बेदाग छवि के हैं? क्या सभी बेदाग छवि के हैं? मुझे क्लियर कर, अगर कंप्लीट करने देंगे तो बात क्लियर होगी। मैं बताता हूँ, मैं इसलिए इस बात जी बिल्कुल मैं चाहूंगी इस बात को शामिल करते हुए क्लियर करें। मुजफ्फरनगर कांड में 66 का मौलवी, उसके ऊपर दंगा का FIR हुआ, पुलिस उसको खोज रही थी, उसी बीच में अखिलेश यादव ने चार्टर प्लेन से उसको बुलाया और अपने मुख्यमंत्री आवास पर उसको खीर खिलाई। तो इसी तरह से दंगाइयों को ये बचाते थे, दंगाइयों को संरक्षण देते थे। तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि होना होता है उसे खड़ा ही होना चाहिए। मनीष जी मेरी भी बात को तो आप इसमें शामिल कीजिए ना। देखिए आज का जो मेन इशू, मेन जो मुद्दा है उसको तो समझिए। क्या ये बात हो गई कि मेरी कॉलर बिल्कुल साफ, सामने वाले की कॉलर जो है वो दागी है? क्या पूरी तरह से बेदाग है आपके सारे कैंडिडेट्स? कॉलर साफ और अंतर नहीं है जी। देखिए मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के सुख दुख में खड़ा हो, जनता के ऊपर दंगे की आग हो, जनता मारी भी जाए और उसी के ऊपर अगर FIR होती है तो उस समय जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य होता है कि ऐसे आतंकवादी सरकार के खिलाफ खड़े हो, पीड़ितों के साथ खड़े हो। योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए थे तो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। ही जवाब दे रहे हैं मनीष जी, मैं चाहूंगी आदिल हसन का भी रुख करना चाहूंगी। नहीं आप भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आदिल हसन अभी तक 8 प्रत्याशियों की फहरिस्त आपके सामने आई। जी विजय राठी जी ठीक है, मुझे दूसरे पैनल के भी पास में जाना है, प्लीज अपनी बात पूरी करें। जी देखिए सुनिए, अभी इन्होंने ये कहा कि अगर किसी के ऊपर कोई केस दर्ज हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। आप ये देखें कि जो अजय तैयारी है जिन्होंने जिनके बेटे ने किसानों को रोंदा, इन्होंने मंत्री पद चली है, उसको ये उसके साथ खड़े होंगे। आप देखिए उसके साथ खड़े होंगे जिसके ऊपर 120 बीघा है प्लानर का, ये उसके साथ खड़े होंगे।
आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, अभी तक जो AIMIM की जो लिस्ट सामने आई, नहीं, मनीष जी और विजय राठी जी दूसरे पैनल को भी बोलने दीजिए, आपसे जो सवाल पूछे आप उसका जवाब देने की जगह बाकी सारी दुनिया भर की बातें करें। आदिल हसन जी, क्या सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों को ही AIMIM टिकट देगी या फिर सिर्फ मुस्लिम जो सीट से मुस्लिम आबादी, क्या सिर्फ उन्हीं को टारगेट करते हुए ध्यान में उतारते हुए आप अपने सभी प्रत्याशियों को चिन्हित कर रहे हैं? मैम अभी तो ये पहली लिस्ट है, इसमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या भाजपा का लिस्ट आपने देखा है? उसमें किसी मुसलमान का नाम दिखा क्या? सबका साथ सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, क्या आपको एक भी नाम दिखा क्या? और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है वो पूछेगा, बहुत अच्छे से तैयार है, वो पूछेगा कि 2017 में दरोगा भर्ती हुई, पेपर लीक हो गया, 2018 में UPCCL का पेपर हुआ, 2018 में यूपी लेबर कोऑर्डिनेटर का हुआ, फिर ट्यूबलर ऑपरेटर का हुआ, आरक्षी नागरिक पुलिस का हुआ, ग्रामीण विकास अधिकारी का हुआ, प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक का हुआ, फिर पेट एग्जाम का हुआ, UPTIT का हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, सहायक प्राप्त स्कूल शिक्षक का हुआ, प्रधानचार्य का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी 23 लाख बच्चे का फिर दिसंबर में हुआ था। तो ये सरकार चल रही है कि योगी जी कुछ और कर रहे हैं? मतलब आदिल हसन जी, आपने जो पूरी लिस्ट सुना दी, मतलब आप ये मान रहे हैं कितनी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई है ना? आप ये मतलब मान रहे हैं, ये तो आप मानते हैं कितनी परीक्षाएं हुई है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात हुई है। अरे सब लीक हुई है, सुनिए, जो नहीं सब लीक हुई है ये परीक्षा, और सुन लीजिए, दिसंबर में जो TET हुई उसमें बिहार से बीजेपी के MLA और गोरखपुर से एग्जामिनेशन कंट्रोलर और बीजेपी के MLA के भाई पकड़ाए हैं। सरकार जो है योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि तो इसीलिए तो क्या इसी को ध्यान में रखते हुए आपने अपने पूरे कैंडिडेट तैयार किए हैं? तो ये सरकार क्या आपने इसी पूरी लिस्ट को इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट तैयार किए क्या जी? हाँ, कैंडिडेट सर्वे हो रहा है, हमने बिहार में भी चुनाव लड़ा था, हमने राकेश यादव जी को भी दिया था, हमने पूनम पासवान जी को भी दिया था, हमने भगीरथ देवी को भी दिया था, हमने सुनील कुमार को भी दिया था, हमने जहां जैसा कॉम्बिनेशन होता है हम उसको देते हैं। हम कभी किसी एक जात की बात नहीं करते जो भाजपा का USP है, हम सबकी बात करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने Day 1 से कहा हम A to Z की बात करेंगे, हम ना माई समीकरण की बात करेंगे ना। आदिल हसन जी, ये तो अच्छी बात है क्योंकि विपक्ष के भी मन में बार बार यही सवाल था कि बार बार विपक्ष को यही लग रहा था कि क्या सिर्फ आप मुस्लिम हितैषी ही इस बार बनकर उतरेंगे या फिर दूसरे नेताओं को भी आप टिकट देंगे, लेकिन कैंडिडेट्स चुन कैसे रहे हैं जरा ये भी बताइए, क्योंकि बीजेपी के अनुसार तो आधे से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि दागी हैं। भाई मेरा कोई प्रत्याशी दागी नहीं, जिसको मैंने में दिया उसने सबसे ज्यादा कोविड में जितने लोग थे पलायन करके मजदूर आए थे, जो गाजियाबाद एरिया है, सबसे ज्यादा जो मजदूर थे, जो बिहार के मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के थे या दूसरे प्रदेश के थे, बेचारे ने घर घर जाकर खाना पहुंचाया। उसी तरह सहारनपुर में जो पूरा सीमांचल का एक बड़ा तबका वहां रह रहा था, जो मेरा कैंडिडेट है, जब पहला लॉकडाउन जो रात में प्रकट हो गए थे 8 बजे रात में, प्रधानमंत्री जी बोल दिए थे कि 12 बजे से, यानी कि ये कहे आदिल हसन जी, बीजेपी जी से बार बार ये भी कह रही है, बार बार उनका ये कहना है कि हमारे साथ में है वो बेदाग है, जो बाकी पार्टी में जाते हैं वो दंगा कराने वाले हैं। बहरहाल AIMIM की तरफ से तो तस्वीर अभी फिलहाल स्पष्ट नजर आती है, उनकी इस लिस्ट में तो फिलहाल कोई दागी नजर नहीं आता आने वाले वक्त में नहीं। शांतनु गुप्ता मेरे साथ में, राष्ट्रपति कृष्ण, मंत्री पर दाग है, मुख्यमंत्री पर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे, ठीक है, शांतनु गुप्ता भी मेरे साथ में है, ठीक है, जनता भी उसका जवाब देगी ना। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी, आज जब अनुराग ठाकुर जब पूर्व IPS ऑफिसर को अपने साथ में बीजेपी में शामिल करा थे, इस दौरान उनका कहना है कि दंगा कराने वाले सपा में जाते हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, दंगा रोकने वाले हमारे साथ में आते हैं, उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या उनका इशारा मौर्या की तरफ था, दारा सिंह चौहान की तरफ था, जो अभी तक बीजेपी में रहे तब तक बेदाग थे, अब आके दागी हो गए हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे, आपको हर पार्टी में ऐसे लोग देखेंगे जिन पे कुछ केस है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा वो केसों की गंभीरता क्या है, क्या वो राजनीतिक केस है, वो क्या सच के केस है। आप ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते। देखिए, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक नॉर्म है, अगर दो साल से ज्यादा की कन्विक्शन हुई हो, चाहे लोअर कोर्ट से हुई हो, तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, MP MLA MLC का पद नहीं होल्ड कर सकते। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कन्विक्शन है तब तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। लेकिन मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, आपको उसको पता लग जाएगा।
अभी शायद सुनील जी ने कहा योगी आदित्यनाथ पे ये केस है वो केस है, मैं योगी आदित्यनाथ का जीवनीकार हूं, उनका बायोग्राफर हूं, उनके एक एक केस को मैंने तफ्तीश से अपनी अपनी किताब में लिखा है कि वो केस क्यों है, और वो बिल्कुल राजनीतिक केस है। और आपको ऐसे भी बताया क्यों राजनीतिक है, वो केस कब हुए, वो मायावती के समय में, आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया, बड़े बड़े वकील हैं इनकी पार्टी में, आज तक कुछ नहीं हो पाया। वो केस कब हुए, मुलायम सिंह यादव के समय में, वो केस कब हुए, अखिलेश यादव के समय में, आज तक उन्होंने वकीलों की फौज लगा दी, इतना नन्ना बाल का भाका नहीं कर पाया योगी आदित्यनाथ का, जब ना तो सेंटर में बीजेपी की सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। अब मैं आता हूं सपा की सरकार में, सपा की सरकार के दो मंत्री पिछले दो साल से जेल में हैं, कौन, आजम खान जिनको हम बहुत बड़ा नेता मानते थे, पता लगा वो तो भूमाफिया है, उन्होंने किसानों की जमीन ले ली, उन्होंने शुल्कस्तों की जमीन ले ली, उन्होंने नजूल की जमीनें ले ली, और सपा ने बड़े बड़े वकील लगा दिए, बड़े बड़े वकील लगा दिए, एक दिन की बेल नहीं करा पाया आजम खान की। दूसरे गायत्री प्रजापति पूरे समय मंत्री रहे, हमें पता लगा वो तो सीरियल रेपिस्ट है जी, और वो आज भी कन्विक्टेड है। तो केस होना एक बात है, केस 10 साल से होना, योगी आदित्यनाथ पे आप इतना दिल्ली भर का प्रूफ नहीं कर पाए, और यहाँ आजम खान गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड है, और सपा ने मेहनत जी 2 सेकंड दीजिएगा, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिएगा 2 सेकंड। नैना जी, नैना जी, नैना जी, नैना जी, नैना जी, जवाब विजय राठी जी, जी पहली बात तो ये है, पत्रकार महोदय आपको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपको दो नाम दिखे, सैल्यूट करिए, आप सैल्यूट करिए, आपको सैल्यूट करिए, लेकिन आप पहले आजम खान को बाहर निकालिए, आप गायत्री प्रजापति को बाहर निकालिए, सैंगल नहीं दिखा क्या, इतनी तो मर्यादा रखो, आजम आजम खान को बाहर निकालिए, लेकिन मेरे आपके कहने से नहीं होता, सारी सैंगल नहीं दिखा, आपके कहने से नहीं होता, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट से कन्विंस किया है गायत्री प्रजापति को, मैंने कन्विंस नहीं करा, अरे नैना ने कन्विंस नहीं करा, मर्यादा रखो, लेकिन देखिए विजय राठी जी, विजय राठी जी इस बात को तो आप मानते हैं ना कि जो भी आरोप है आपको न्यायपालिका पर तो भरोसा है ना, न्यायपालिका पर तो भरोसा है ना, इनको किसी पे भरोसा नहीं है, इनको वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, इनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। देखिए मुझे कमलाकर त्रिपाठी जी का भी रुख करती हूँ, देखिए बहुत वक्त हो गया, मुझे जरा कांग्रेस का भी तो आप कांग्रेस को भी तो शामिल करने दीजिए, या कांग्रेस को आपने बिल्कुल साइड में कर दिया है भाई, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। त्रिपाठी जी आपको तो बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बताइए समाजवादी पार्टी क्या रोक रहे हैं आप, ये मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, प्लीज विजय राठी जी, विजय राठी जी ऐसी डिबेट नहीं होती, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ बातचीत का, मैं पूरा मौका दे रही हूँ, प्लीज बलात्कारी है कि नहीं है, जेल में बंद है, ठीक है, बीजेपी का नाम, ठीक है, आपके पास में मैं जब दोबारा आऊंगी आप ये सवाल पूछेगा, लेकिन त्रिपाठी जी देखिए आपको तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब दबाते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी आवाज ही कहीं पर आप सुनाई नहीं दे पा रहे, क्या कहेंगे कमलाकर त्रिपाठी जी, आप किन मुद्दों के साथ में जा रहे हैं, आपकी पोजीशनिंग कहाँ है आखिर? नैना जी सबसे पहले तो मैं कहना, कांग्रेस की पोजीशनिंग कहाँ है, कर रही है तो किसको बुलवाना है और किसको दबाना है ये तो आप तय कर रही है ना, तो अगर आवाज दबाई जा रही है तो कांग्रेस की, तो हमारे आपकी तरफ से दबाई जा रही है, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, मैं चाहूंगी आप जरूर जवाब दें, आप अपनी बुलंदी के साथ में जवाब दें त्रिपाठी जी, पूरा पूरा आपको जवाब देना है, हमारी आवाज पूरे देश के आवाम की आवाज है, इस देश महिलाओं की आवाज है, इस देश की युवाओं की आवाज है, जो हमने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज देखिए किस तरीके से जो है वो सारी पार्टियों को अपने स्टैंड बदलने पड़े हैं और महिलाओं की भागीदारियां बढ़ानी पड़ी है। पार्टी जी आपकी पार्टी की कई ऐसी महिला कार्यकर्ता हैं जो नाराजगी जता रही हैं, सबसे खास बात कई नाराजगी जता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आज सुनिए तो, आज एक तरफ आज भूपेश बघेल ये कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को तो वापस उनके घर भेज दिया, लेकिन अपना घर कांग्रेस कैसे मजबूत कर रही है, आपके किन मुद्दों के साथ में आप यहाँ पर हैं, चुनावी मैदान में कहाँ जा रहे हैं? हमारे मुद्दे तो एकदम क्लियर है, ये कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हैं, हम कुलदीप सेंगर ने जिस जो रेप पीड़िता है उसकी माँ को हम टिकट देते हैं, हम इस प्रदेश में हर वो चीज, हमने महिलाओं की सुरक्षा का वायदा किया है, हमने उन्हें आगे लाने के लिए जो है वो राजनीतिक और ये आज से नहीं कर रहे हैं, और हमारी पूरी लिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको जो भी प्रगतिशील सोच का आदमी है, जो भी अपने समाज के लिए, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आपको यहाँ की बेटी नजर आती है, लेकिन राजस्थान की बेटी के बारे में कोई सुध नहीं लेता, ना प्रियंका गांधी ना राहुल गांधी, वहां पे कोई नहीं जाता, लेकिन चलिए अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं, राहुल बार बार ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने कल ये कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ दिल्ली में बैठ के साजिश रच रही है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है आप पर,
देखिए कांग्रेस ये साजिश करता जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में होते हैं। ये पूरे प्रदेश को दंगे की आग में सुरेश राणा क्या है जो इनके मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी होते हैं दंगे के आरोपी। संगीत सोम क्या है दंगा भड़काने के आरोपी। इनके मुख्यमंत्री और इनके मुख्यमंत्री के गृह नगर में कानपुर के व्यापारी की हत्या होती है। इनके जो अभी अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि जो है वो दंगाई को अपराधियों को बचाने का काम दूसरी पार्टियां करती हैं, आप क्या कर रहे हो? आपके यहाँ तो आपकी पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और अपराध करती है। मणिलाल पाटीदार इनका आईपीएस जो है वो वसूली और हत्या में जो है आज तक फरारी कर रहा है इनकी पार्टी के। इनके यहाँ जो बुलंदशहर का एसपी कहता है कि सांसद और विधायक हुजूम को लेकर के आए थे दंगाई हुजूम को, मैं और मेरा पूरा परिवार जो है वो थर थर कांप रहा था। आप ये समझिए ये लोग भाजपा से बेटी बचाओ की स्थिति हो गई है और इस प्रदेश में आम आदमी का व्यापारी का काम करना। ठीक है, मैंने त्रिपाठी जी मैंने सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है अभी बोलने का। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने आपको मौका नहीं दिया बोलने का, लेकिन बहुत बड़ी बातें अगर कहीं इस बात को जरा समझना होगा। हाँ विजय राठी जी आप ही की तरफ आ रही हो, आप ही से रिएक्शन लेने आ रही हूँ। कई बड़े आरोप ये लगे कि जिन अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए उन अपराधियों को संरक्षण तो छोड़िए बल्कि उन अपराधियों को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा लेकिन मुझे दो सेकंड दीजिएगा। मुझे सिर्फ ये समझना है कि मैंने मान लिया आपने आजम साहब का नाम लिया गायत्री का नाम, लेकिन ये तो अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है कुलदीप सेंगर और ये अजय टैनी को कहां से खुल लिया। कुलदीप सेंगर जेल में है, गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव जेल में लेके चलते थे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बावजूद भी 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव निर्लज्जता गलती हो जाएगी तो क्या फांसी दे दोगे। ठीक है विजय जी आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। पहले शांतनु जी मैं चाहूंगी, शांतनु जी विजय राठी जी को जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, जरा उनकी बातों के जवाब दीजिएगा मैं चाहूंगी, उसके बाद में फिर मैं मनीष जी का रुख करूंगी। देखिए पूरे पूरे देश को पता है कि गायत्री प्रजापति पर एफआईआर लिखने के लिए मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। आप सभ्य तरह से डिबेट करिए, आप सभ्य तरह से डिबेट करिए। चीखा चिल्ली सपा की गुंडागर्दी मेरे सामने मत दिखाइए आप, सपा की गुंडागर्दी अखिलेश विजय राठी जी, विजय राठी जी आप जो चाहते हैं देखिए आप अपने शब्द किसी और को नहीं दे सकते। आपने सवाल पूछा जवाब तो उनका सुनिए, विक्रमादित्य ये जवाब भी आप अपने ही जैसा चाहेंगे। विजय राठी जी बोलने का मौका दीजिए, आपका आपका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देंगे वरना। शांतनु जी आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। बलात्कारी था कि नहीं था ये बताइए। आपने सवाल पूछ लिया। देखिए नैना जी ये नहीं डिसाइड करेंगे मैं क्या बोलूंगा। विजय जी आपने सवाल पूछे, शांतनु जी प्लीज जवाब दीजिए। जी आप उनका थोड़ा फीटर बंद करिए, शांतनु जी आप अपना प्लीज जवाब। आवाज नहीं आती। राजनीतिक विश्लेषण क्या? देखिए गायत्री प्रजापति को एफआईआर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था। एक सिटिंग मंत्री जो 5 साल सिटिंग मंत्री था सपा सरकार में, अखिलेश यादव का खास मंत्री हुआ करता था, जिसको एक बार हटाया भी फिर से लाना पड़ा, वो आज सीरियल रेपिस्ट की तरह जेल में है, कन्विक्टेड है। करोड़ों रुपए पैसा खर्च करने के बाद समाजवादी पार्टी उसको एक दिन के लिए बाहर नहीं निकाल पाई। आजम खान जो बिल्कुल माना जाता था कि दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत बड़े भूमाफिया निकले। ये कहते हैं कि कुलदीप सेंगर पे सीबीआई जांच करी, इन्होंने कहा ये तो मोदी की सीबीआई है कुछ नहीं करेगी। जैसे सीबीआई जांच हुई दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और यहाँ मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, मैं मनीष शुक्ला जी के माध्यम से, क्योंकि मैं भाजपा का हितैषी हूँ, मैं मनीष शुक्ला जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो 2017 तक सपा में थे, सबको पता है कुलदीप सेंगर सपा में थे, सपा से भाजपा में आए, इस तरह के लोगों को जब आप पार्टी मिले तो छानबीन की पार्टी मिले, जब सपाइयों को पार्टी मिले, जब बसपाइयों को पार्टी मिले। बिल्कुल शांतनु जी यही तो सवाल है, यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी हो जाता है जब
दूसरे राजनीतिक दलों में होते हैं तो वो दागी नजर आते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी में आते हैं तो क्या वो गंगा जल से स्नान कर कर आते हैं जो सारे उनके पाप मुक्त हो जाते हैं? मनीष शुक्ला जी, आपको नहीं लगता लखीमपुर खीरी वाली घटना इस चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को डेंट भी पहुंचा सकती है? क्योंकि यही सवाल विपक्ष बार बार उठाता रहा है कि क्यों नहीं अपने मंत्री पर कार्रवाई की गई। देखिए, लखीमपुर की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। पीड़ित परिवार ने जो तहरीर दी, तहरीर को अच्छा सा FIR में तब्दील की गई। जो आरोपी जो पीड़ित परिवार ने लिखा था उनकी तत्काल गिरफ्तारी की गई। SIT का गठन किया गया। SIT ने जांचोपरांत जो धाराएं के इसको बढ़ाया गया। सभी आरोपी जेल में है। पीड़ित परिवार एक बार भी सामने नहीं आया कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो वो एक विशेष प्रकार के पक्षी है जो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करें, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार सामने नहीं आता है, पीड़ित परिवार को ये अगर विश्वास है। मनीष जी, ऐसा कैसे, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो इस बात को आप कैसे साबित कर सकते हैं? आप ये समझिए, जब अगर पूरी रिपोर्ट सामने आई, उसमें जब क्लियर नाम सामने आए, आपको नहीं लगता? वही बात मैं दोबारा दोहराना चाह रही हूँ विजय राठी जी के साथ में इस बात को, विजय जी, लेकिन इधर उधर की बातों के साथ में इस बात को कि आप इस पर क्या कहेंगे? नैना जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब तक पीड़ित अगर संतुष्ट है, क्या टाइम चुनाव पे कभी पीड़ित ने आके ये कहा? देखिए, मेरे पास आखिरी का समय है इस पूरी डिबेट का। मैं चाहूंगी प्लीज थोड़ी संयम तरीके से नैना जी, संयम तरीके से दिखाई दे रहे लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, जो आतंकवाद समर्थक लोग हैं, जो माफिया और गुंडा समर्थक समाजवादी पार्टी है, इतनी बात को माना जाए? कुलदीप सेंगर जेल में है और गायत्री प्रजापति? अरे लेकिन विजय राठी जी, कार्रवाई तो की गई ना। सेंगर कहाँ है अभी? कुलदीप सेंगर कहाँ है अभी? मौजूदा स्थिति पर बात कीजिए ना। क्या कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई नहीं की गई? नैना जी, राजनीतिक विश्लेषक ने उनका नाम क्यों नहीं लिया? उन्हें सिर्फ एक नेता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति उस पर तो बात कीजिए। विजय राठी जी, नामों की लंबी फहरिस्त है, जिन पर बेहद गंभीर आरोप है, किन बातों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे? विजय जी, कुलदीप सेंगर जैसे निकले वो तो जेल गए, लेकिन गायत्री प्रजापति को विधानसभा के चुनाव में अमेठी जाकर उस समय तक प्रचार करते रहे जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था गिरफ्तार करने का। ये तो संरक्षण देते रहे। और मुलायम सिंह यादव की जो भाषा थी बलात्कारियों को बचाने के लिए, आप लोग सब मिलकर बोलेंगे तो ये चर्चा कैसे शामिल होगी? आखिर ये चर्चा कहाँ जाएगी? इस बात को जरा समझिए। आदिल हसन साहब, अभी तक अगर हम बात कर रहे थे पिछले कुछ वक्त से, कई मरतबा तमाम राजनीतिक दलों के साथ में बैठक की बात कही गई थी कि हाँ ठीक है, AIMIM शायद सपा के साथ चुनावी मैदान में हो, आप पर BJP की बी पार्टी का आरोप लगता रहा। लेकिन जिस तरह से जिन वादों के साथ में अगर जनता के बीच में है, क्योंकि बार बार आरोप लगाए जाते रहे आपकी पार्टी पर भी, कैसे उसको जस्टिफाई करते हुए आप लोगों के बीच में जाएंगे? जी, हम तो उत्तर प्रदेश की आवाम से बोलेंगे कि ये भाजपा ने 70 लाख नौकरी की बात की थी, इनके मंत्री सदन में उठ के उन्होंने कहा कि 33 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। हम ये बोलेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उसको भाजपा की सरकार ने 250 करोड़ में भेज दिया, जबकि 1500 करोड़ से ऊपर के उनको ऑर्डर मिले हुए थे। हम ये बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में 1800 से ऊपर प्रोफेसर है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 57 प्रोफेसर वहां पर लेक्चरर हैं। हम ये बोलेंगे वहां उत्तर प्रदेश में टीचर जो हैं उसमें सिर्फ 4.4 टीचर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। हमने बोलेंगे गंगा में लाश बही है। हम ये बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई। हम ये बोलेंगे कि गोरखपुर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत से बच्चे मरे। हम ये उत्तर प्रदेश की आवाम से बोलना चाहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। ये इसमें अहंकार है, इसमें गुरूर है, तकब्बुर है, आवाम से कोई वास्ता नहीं। उत्तर प्रदेश की आवाम एक मैंडेट दे जिसमें इंसाफ हो, जिसमें ऐसी सरकार हो जिसमें न्याय हो, जिसमें ठोक दो की बात नहीं हो, जिसमें इंसाफ की बात हो।
उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी हो, क्योंकि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब अपनी गोटी सीट कर देते हैं, लेकिन ये मुसलमान कम्युनिटी जो सच्चर ठीक है, लेकिन ये तो ये बहुत पॉलिटिकल भाषण जैसी बात जरूर नजर आती है, दलितों से बदतर ठीक है। नहीं, लेकिन हसन साहब जिस तरह से आप ये जो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल ये पॉलिटिकल भाषण जैसी बात नजर आती है, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड पर अगर बात करें तो वो क्या तस्वीर बनेगी? सबसे खास बात ये मनीष शुक्ला जी, बार बार अगर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा गया ठीक है, अभी ये भी कहा गया कि एक लंबी फहरिस्त जो है वो तो आ चुकी है सपा में, अभी और भी हो सकता है एक दो और नेता शामिल हो जाए, तब वो भी क्या दागी हो जाएंगे आपकी नजर में? नहीं, जो दागी होगा, जो अपराधी होगा, जो आतंकवादी है, उसको समाज जानता है, चीख चीख के उसका करेक्टर बताता है, वो दागी है। जैसे नाहिद हसन का वीडियो चिल्ला चिल्ला तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन लोगों पर? वो दागी है, अभी तक तो आपकी पार्टी में थे, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? और हिंदुओं के दुकानों से सामान मत खरीदो, इसका वो आह्वान कर रहा है, और अखिलेश यादव का बहुत खास है, अखिलेश यादव जी बताएं यार जनता, मुझे समझ में नहीं आता मनीष जी, बीजेपी में जो आते हैं वो ऐसा कौन सा कवच धारण कर आते हैं कि वहां पर आते ही से ही सारे दोष मुक्त हो जाते हैं और बाहर निकलते से ही दाग उनके ऊपर जरूर लग जाते हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ में जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चुनावी चर्चा जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोप जोरों पर है, फहरिस्त एक के बाद एक जो सामने आ रही है उसमें दागी और मैं साफ की राजनीति भी अब जमकर उत्तर प्रदेश में नजर आती है।